और देश हित में आज के पांच बड़े सवाल। देश हित में पहली खबर अंतरिम बजट से जुड़ी हुई है जो कल पीयूष गोयल पेश करेंगे। आपको बता दें ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है जिसकी कवरेज के लिए जी न्यूज पर भी बजट बाजार तैयार किया गया है। और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हुआ जिसमें रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सवाल ये कि क्या मोदी सरकार देश का मन जीतने वाला बजट कल पेश कर पाएगी। मायावती के कार्यकाल के दौरान हुए स्मारक घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने लखनऊ नोएडा समेत 7 जगहों पर छापेमारी की है। और दिलचस्प बात यह है कि 2014 में अखिलेश सरकार ने ही इस मामले में केस दर्ज किया। लेकिन अब तो गठबंधन हो गया बुआ बबुआ का। सवाल ये कि अब की बार बबुआ के हथियार से बुआ परिवार। उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर हिंदू आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, कुंभ स्नान पर आपको याद होगा विवादित ट्वीट किया था, उसके बाद आज एक बार फिर एक और उन्होंने विवादित ट्वीट किया है। उनके मुताबिक हिंदी हिंदू हिंदुत्व देश को बांट रहा है। वोट के लिए हिंदू धर्म को बार बार अपमानित क्यों कर रही है कांग्रेस, ये बड़ा सवाल। कुंभ में परम धर्म संसद के बाद आज वीएचपी की धर्म संसद बैठी और अखाड़ा परिषद ने खुद को इससे अलग रखा। सवाल ये उठ रहा है देशित में कि संतों के बीच आखिर सियासत कौन कर रहा है। सवाल तो ये भी है कि आखिर राम मंदिर के रास्ते में बंटवारे की साजिश किसकी। देशित में एक जरूरी रिपोर्ट आपकी सेहत से जुड़ी, जरूर देखिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पैकेट बंद जूस में हानिकारक केमिकल पाए गए हैं। सवाल ये कि सस्ता ही नहीं सुरक्षित भी वाली पॉलिसी बजट में आखिर कब।